आज हम भोपाल से 25-30 किलोमीटर यहाँ वरदान शादी हाल है उसके अंदर हम आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो यूनियन है टेंट हाउस की, जिसको बोला जाता है फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन, तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। जो टेंट वाले हैं उनकी यूनियन ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, तो आज हम यहाँ पे आपको लेकर चल रहे हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं। भोपाल की कई हस्तियाँ बड़ी बड़ी यहाँ पे शामिल हैं और खुशी की बात ये है कि टेंट के जो यूनियन लोग हैं उन्होंने जो बॉम्बे से तशरीफ लाए हैं हमारे बादशाहों के बादशाह कॉमेडी किंग जिसको बोला जाता है सुनील पाल जी, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और आज हम सुनील पाल जी से आपको भेंट कराते हैं और रूबरू कराते हैं और यहाँ के भोपाल के जितने वासी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। हम पहली मुलाकात जो मुंबई से तशरीफ लेकर आए हम आपकी पहली मुलाकात कराने जा रहे हैं श्री सुनील पाल जी से, तो आइए एक मुलाकात और एक चर्चा उनसे करते हैं। सुनील पाल जी से जो कॉमेडी के किंग रहे हैं और आज भोपाल तशरीफ लेकर आए, बताइए आपको भोपाल आगे कैसा लगा? भोपाल मेरी नज़र में मेरा घर जैसे ही है क्योंकि बहुत बार भोपाल आ चुका हूँ। भोपाल के लोग जो है रंग बिरंगी है, संस्कार का हो, संस्कृति का हो, देश प्रेम का हो, देश सेवा का हो, ज्ञान का हो, सारी चीज़ें शराब हो रहे भोपाल का। अच्छा एक सवाल और, तो आपसे यहाँ आप भोपाल आए तो यहाँ कार्यक्रम में आपको क्या महसूस कर रहा है, वो कैसा लग रहा है आपको कार्यक्रम में? चल भाई, हो क्या भाई, कितनी फोटो लेगा यार? टेंट व्यापारियों का ये शो है, टेंट और कैटरिंग व्यापारी जो मतलब देखिए इसके बिना दुनिया में कोई फंक्शन उत्सव के जो मेन निर्माता है निर्देशक है। बताइए उसमें से जो आपका फेवरेट शो है प्लीज वो बताइए। मेरे फेवरेट शोज में आपके चैनल बहुत फेमस है, आपने देखा होगा कई बार, तो मैं बहुत सारे टीवी के करीब करीब सारी कॉमेडी शोज में कपिल का शो फिल्में आ चुकी हैं मेरी, अभी यूट्यूब पर भी आप देखें। फेवरेट फिल्म बताइए आप? मेरी फेवरेट फिल्म तो वैसे तो बॉम्बे की है, लेकिन फिर उसके अगर भावना को समझे अपना सोचा मिली है बिग बॉस, और भी बहुत सारी फिल्में आ रही है सोशल मीडिया पर भी, सुनील पाल की चौपाल वाला यूट्यूब चैनल चलते हैं। चलिए ठीक, बताइए और बताइए आप जो अब आने वाला जो सीरियल है या पिक्चर है उसका आराम बताइए आप? आने वाली फिल्म राजपाल यादव और हमारे दोनों साथ में आ रहे हैं, फिल्म का नाम है सुपर जासूस, बहुत कॉमेडी फिल्म है, और एक फिल्म आ रही है फैमिली 400 बहुत सस्ती पड़ गई वो फिल्म आ रही है, और बहुत सारी लेकिन ये दो फिल्में रिलीज में। तो अब दर्शक आपको देखना चाह रहे हैं और हमारी जनता आपको देखना चाह रही है, एक छोटा सा शॉट हो जाए आपका कॉमेडी का प्लीज। हमारा नाम है रतन मोरा और भोपाल के टेंट एसोसिएशन के बिना हम अधूरा, तो इनके बिना हमारा कोई काम नहीं होगा पूरा। आई लव यू। एक आखिरी सवाल और, आज जो यूनियन हमारी आज इतनी मेहनत से बैठी है उस यूनियन के बारे में आप प्लीज़ क्या कहना चाहेंगे? इस चीज़ें छाई हुई है टेंट यूनियन और महंगाई ओनियन, ये दोनों छाई मिला रहे हैं। लाइव ओके के बारे में ये चाहता हूँ कि लाइव रहिए और ओके रहिए, हमेशा खुश रहिए, कोई आपको कितना ही ओके आप बोलना लाइव ओके। थैंक यू बहुत बहुत, ये पूछना चाहते हैं आप खड़ो
मगर तालियां फिर भी नहीं बची। नहीं, आपका कसूर नहीं, इसकी सुंदरता में कमी है। मजाक कर रहा हूँ, बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही टैलेंटेड हो, ऐसा इसका खुद का मानना है। पर इसका काम देखकर हम भी मानने लगे। मैंने टेंट एसोसिएशन से कहा था कि मुझे एंकर रख लो। मैंने कहा था मुझे एंकर रख लो, तो खनुजा जी कहते हैं हमें एंकर जी भयंकर नहीं। लेकिन वाकई इस लड़की के लिए, एंकर साहब के लिए, प्लीज आ जाइए, करीब आ जाइए। जोरदार तालियां। लड़की बहुत ही संस्कारी है, इसलिए हंस रहे हैं। ये इसलिए हंस रहे क्योंकि ये संस्कारी नहीं है। इनके मन में एक बात चल रही है, वो बता दू क्या चल रही है? आई लव यू डार्लिंग। लड़की दिल की साफ है और दिमाग की भी, मतलब दिमाग में कोई गंदगी नहीं, सबको प्यार प्यार से और अच्छे से एंकरिंग करती है। यही वजह है कि आज बच्चा बच्चा एंकरिंग की दुनिया में इनको सलाम करता है, इनका नाम जानता है। क्या नाम है आपका? वर्षा श्रीवास्तव। अच्छा, ये ताली नहीं बजा रहे ना, इनको मैं ताली बजवाता हूँ। देखिए अब देखो कैसे, देखिए कैसे क्लास लग रही हो। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूनियन के लोग वर्षा, जिन्होंने एक शेर रात मेहनत करके इस कार्यक्रम को अंजाम दिया, और आज हम इन लोगों से भी आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। इनसे पूछते हैं इस प्रोग्राम की रूपरेखा क्या थी, बताइए आप जी। टेंट एसोसिएशन के आपका जो फेडरेशन रूपरेखा कैसी रही, किसने बनाई, एक व्यक्ति ने मेहनत की, एक एक व्यक्ति किसी के मेहनत सब में। आपके नाम बताइए। जयपाल। तो आप ये जो मेहनत लगी है, ये आज ही आज की थी या दो चार दिन से, 8 दिन से चल रही है? नहीं, 8 दिन से तैयारी चल रही है, कल रात में कुछ ज्यादा ही काम किया, 2:30 बजे रात तक। तो बॉम्बे शहर से आपके सुनील पाल जी भी आए, उसमें आप लोगों को कैसा मैसेज हुआ, कैसा लग रहा है जो आपके, मतलब इतनी बड़ी हस्ती आई आपके कार्यक्रम में, बहुत बड़ी बात है, क्या महसूस कर? बहुत खुशी महसूस हो रही है, अभी इंजॉय करेंगे सभी लोग, उनका आनंद देंगे, हंसेंगे, हंसाएंगे वो। तो डली बाबा आपका क्या कहना है, आपने भी बहुत कुछ मेहनत नहीं करी है माशाल्लाह, आपने बॉम्बे से इतनी बड़ी हस्ती को बुला लिया, बहुत बड़ी बात है ये कि सुनील पाल जी आपके बीच में आ रहे, कम बात नहीं है कि आपने आपकी पूरी मेहनत इसमें रही, बहुत जबरदस्त बात। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और सुनील पाल जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, झीलों की नगरी भोपाल में उनका स्वागत है, और जो टेंट व्यवसायी है उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, जो मेरे टेंट के जो मेरे भाई है जिसने काम किया, जो रात भर मतलब 8 दिन से लगे रहे, सोना जागना, और आप जितने दुकानदार हैं उनकी खाने पीने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, और जो हमारे महेश भैया हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा ममता टेंट हाउस। तो महेश भाई आप बताइए, तारा कैसे रही? ये तो पूरे संगठन का एक संगठन का एकजुटता का कार्यक्रम है, ये सबके मतलब सहयोग से ही पूरा काम हो। धन्यवाद। तो ये थे यूनियन के लोग, और हमारे बीच एक बार फिर हम पूरे यूनियन का सम्मान करते हैं कि इतना बड़ा मेहनत, इतने बड़ा काम किया इन लोगों ने, उस काम को अंजाम दिया। और सही बात तो ये कि काम को अंजाम देने ही वाला मेन होता है, बाकी तो अपनी जगह है, लेकिन इन्होंने कितनी खूबसूरती से इसको अंजाम दिया, और हम शुक्रगुजार हैं इन लोगों के, और इनसे हमारी दिली दुआ है कि मालिक इनको आगे पहुँचाए। तो डेली बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लाइव ओके का समय दिया, हम आपको शुक्रवार गुजार, धन्यवाद। लाइव ओके का बहुत बहुत धन्यवाद।